नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का सितम जारी है। बीती रात से अब तक राजधानी में इसका असर दिख रहा है। वैसे तो मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि आज से तेज हवाओं की वजह से इस मुश्किल से राहत मिलेगी, लेकिन रात से कई इलाकों में कोहरे की घनी चादर है। कहीं कोहरे का कहर तो कहीं बर्फबारी बनी मुसीबत। गिरते पारे से पस्त जिंदगी, बिगड़ता मौसम, बेबस जिंदगी। दिल्ली में सर्दी का सितम। नए साल का आगाज होते ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पूरा दिसंबर बीत गया, लेकिन सर्दी, कोहरे और ठंड से बचकर दिल्ली ने 2018 में कदम रख दिए। लेकिन साल की शुरुआत होते ही ठंड अपने तेवर के साथ आई। और अब आलम देखिए इस कोहरे का। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे ने ऐसी वापसी की है कि पारा भी लुढ़क चुका है। आज तक की टीम ने डीएनडी रूट पर आधी रात को कोहरे का हाल जाना। दिल्ली में लगातार फॉग का कहर जारी है और ये कहर नए साल की शुरुआत के साथ शुरू हुआ था और अब भी लगातार जारी है। इस वक्त रात के 1 बजे हैं और हम डीएनडी पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी देखिए कि किस तरह से फॉग आपको दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से धुंध दिखाई दे रही है, साथ ही साथ तापमान में गिरावट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हवा यहाँ पर बहुत तेजी से चल रही है, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। और विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो बेहद ही कम विजिबिलिटी इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप गाड़ियों को आवाजाही देख रहे हैं और काफी परेशानी के साथ लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हादसों का डर भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नए साल के पहले दिन से ही दिल्ली ठिठुर रही है। पारे में एकाएक गिरावट होने की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसका असर राजधानी के रैन बसेरों और एम्स के आसपास भी देखा जा सकता है। देश के दूसरे हिस्सों से इलाज कराने एम्स पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को बेबस होकर रात गुजारनी पड़ रही है। देश के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। वो किस्मत वाला था जिसे बस स्टैंड की आड़ मिल गई, वरना कई लोग तो खुले आसमान के नीचे सोते नजर आए। आपको इस रैन बसेरे में जगह नहीं मिली? नहीं मिली हमें, कहीं भी जगह नहीं मिली। छोटा बच्चा हमारे साथ है, नहीं जगह खाली है, नहीं। और एम्स में अंदर अस्पताल में भी कहीं जगह नहीं खाली है? नहीं, जगह नहीं मिली सर, एम्स में भी नहीं। तो क्या करें सर, मजबूरी है। कोहरे और ठंड से जुड़ा ये संकट नया नहीं है, हर साल ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। लेकिन इंतजाम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे स्टेशन का भी है। तमाम अटकलों को सच साबित करते हुए धुंध ने हर बार की तरह इस बार भी ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसका असर दिख रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां रात भर यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। एक ट्रेन कैंसिल करके दूसरा रिजर्वेशन कराया कि वो ट्रेन बहुत लेट थी, उसके बाद भी हम लोगों को 9 आवर्स हो गए जर्नी करते करते, हम लोग रात को पहुंचे अभी। कौन सी ट्रेन है? गंगानगर की है, रद्द है। कैंसिल ही हो गई? कैंसिल हो गई। आपकी कौन सी ट्रेन? सर वीकली एक्सप्रेस है, जो कि 14 घंटे लेट हो गई है। अभी तक का 14 घंटे लेट है। दिल्ली में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा हो गया है। PM2.5 और PM10 का स्तर सामान्य से 10 गुना बढ़ा हुआ है। लोधी रोड इलाके में आज तक की टीम ने कोहरे और प्रदूषण का हाल जाना। जो सामने स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है कि अभी प्रदूषण का लेवल कितना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रात में सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण कोहरा जो है वो कम होता दिखाई देता है, मगर प्रदूषण का स्तर अभी भी बढ़ा हुआ नजर आता है। और अगर नए साल की बात करें तो पिछले 2-3 दिन देखिए PM2.5 और PM10 आपकी आंखों के सामने हैं और दोनों ही स्तर PM2.5 की बात करें तो 500 तक है, वही PM10 का लेवल अगर देखा जाए तो 246 है, यानी कि अपने सामान्य से तकरीबन 8-9 गुना ज्यादा। और ये बहुत ही बुरी स्थिति है, क्योंकि फॉग तो हम देख ही रहे हैं, मगर ये कहीं ना कहीं स्मॉग भी है।
वैसे बीती रात से दिल्ली में कोहरे के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो तेज हवाओं की वजह से दिल्ली एनसीआर को राहत मिलेगी। कि अभी हमारे पास एटमॉस्फेयर में आगे विंड स्पीड थोड़ी तेज हो गई, रात से आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में विंड चल रही है और साथ ही साथ आगे भी चलने के चांसेस हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कमी आएगी। इसकी वजह से कल से हमारे पास फॉग की जो इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन में भी कमी आएगी, सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में रहेगा, दिन में काफी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी। मौसम विभाग ने भले ही राहत की खुशखबरी सुना दी हो, लेकिन ना तो ट्रेनों में लेट लतीफी से बहुत राहत मिली है और ना ही विमानों की उड़ानों पर कोई ठोस असर नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2 जनवरी को 21 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि 59 ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही थीं, जबकि 13 ट्रेनों का वक्त दोबारा तय किया गया। 2 जनवरी को 6 उड़ानें भी कैंसिल की गईं और 60 से ज्यादा लेट हुई। आज भी कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम की मार की वजह से दिल्ली में एयरपोर्ट पर यात्री परेशान रहे। वैसे मौसम विभाग के संकेत के मुताबिक हालात कुछ सुधर सकते हैं। सिद्धार्थ के साथ शुभम गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, कैसे कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली जैसा या उससे भी खराब हाल उत्तर भारत के कई और शहरों का भी है। धुंध की वजह से लोग परेशान हो गए हैं, कई जगहों से जानलेवा हादसों की भी खबरें हैं। साल 2018 की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में भी पारा औंधे मुंह गिरा है। फिलहाल पारा 0 डिग्री से नीचे जाकर -0.8 डिग्री के आसपास रुका है, यानी कड़ाके की इस ठंड में जनजीवन पर असर साफ दिख रहा है। खेत खलिहान, खेतीहर किसान, हर कोई बेबस है इस ठंड के आगे। फसल की सुरक्षा की चिंता सता रही है, लिहाजा ठंड की मार झेल कर भी खेतों में चारपाई पर रात कट रही है। फसलों पर बर्फ जैसी परत इस बात की गवाह है कि ठंड ने कैसे जिंदगी को प्रभावित किया है। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, कभी कभी पारा 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ठंड है बट क्या करें, फसलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सोना पड़ता है रात को बाहर ही। बर्फ भी जमती है? हाँ, बर्फ तो जमती रहती है अक्सर, कभी माइनस जब 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे होता है तो बर्फ तो अक्सर जमती रहती है। फतेहपुर शिखावटी में हर बार ठंड का आलम कुछ ऐसा ही रहता है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों को अलाव का सहारा है। काम से निजात पाते ही लोग आग की लपटों के आगे सुकून से बैठ जाते हैं। ठंड है, इसे आग है, इसे तप रहे बैठे, ठंड तो ज्यादा ही है, ज्यादा ही ओस गिरती है इसकी, वो अनाज के ऊपर बर्फ सी जम जाती है। कोहरे में लिपटा शहर है जालंधर। यहाँ करीब 20 मीटर की दूरी पर भी साफ साफ देख पाना नामुमकिन सा हो चला है। फ्लाई ओवर हो या शहर की आम सड़क, आने जाने वाले तो इक्का दुक्का ही दिखते हैं, और जो दिखता भी है वो पूरी सावधानी से ठंड की मार से बचते हुए सफर कर रहा है। जिस कदर कोहरे ने अटैक किया है उससे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। स्थानीय निवासी गिरते पारे से बेहाल हैं, तो कोई कमाई ठप होने से परेशान। ये 2-3 दिन तो धुंध ज्यादा पै रही है जी, तेज करके बच्चों को स्कूल आने जाने दे विच बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा बढ़ गए ने जी। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे में धुंध नजर नहीं आती है, कमाई धमाई सब खत्म हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है धुंध के कारण। नए साल के दूसरे दिन भी तरनतारन कोहरे की चादर में ऐसे लिपटा कि मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। सड़क पर रेड लाइट के बावजूद नजरें धोखा खा रही थीं। सतर्क होकर देखने पर ही हकीकत से पर्दा उठता था। ऐसे सर्द मौसम के बीच कांपते ठिठुरते स्कूली बच्चों के लिए मानो आफत आ पड़ी हो। घने कोहरे की वजह से यूपी के हाथरस में जानलेवा हादसा हो गया। रोडवेज बस की कार से भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना जबरदस्त था। बस से टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसके ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक वहीं फंसा था। आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश की, हथौड़े से कार के गेट तोड़े, फिर उस युवक को बाहर निकाला। इस घटना में 7 लोग जख्मी भी हो गए।
कार में मौजूद सभी सवार एक ही परिवार के थे और वो लोग हरिद्वार से गंगा स्नान कर ग्वालियर लौट रहे थे, तभी कोहरे की वजह से ये भीषण टक्कर हो गई। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हरिद्वार से। तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ थे? ये भी पास में हुआ, एक गांव था उधर। कितने, कौन सी गाड़ी थी आप, कितने लोग की गाड़ी? ट्रक से। आपकी कौन सी गाड़ी थी? वो पॉलिस। कितने लोग की गाड़ी में? 11। सभी लोग घायल हैं? 7-8 घायल हैं और बाकी से 3-4। कोहरे की वजह से कहीं खतरे की आहट तो कहीं खतरे से आमना सामना। यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे का जबरदस्त कहर दिखा। 1-2 जनवरी की रात धुंध ने ऐसा रूप धरा कि बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई। श्रावस्ती से राजकोट जा रही इस बस में हादसे के वक्त 110 लोग सवार थे, लेकिन डिवाइडर से टकराने और आग लगने के साथ ही सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि यात्रियों का सारा सामान बस के साथ ही जलकर खाक हो गया। यहाँ से ही कोना से बस चली, वहाँ से हम सब बैठ कर आ रहे थे। लखनऊ में लंच मारा है ना, वहाँ लंच मारने के बाद अब वो आदमी कुल लोग कह रहे हैं कि दारू पे, वो पुल में टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद उसका अगला चक्का दोनों निकल गया, फिर ड्राइवर ने स्टार्ट किया, फिर उसमें आग लगी, फिर यात्रीगण उसमें कम से कम 100 से ऊपर थे। फिर हम लोगों ने कांच तोड़कर बाहर निकला, सामान सबका सारा जल गया। यूपी, पंजाब, राजस्थान या उत्तर भारत का कोई दूसरा राज्य, हर हिस्से में कोहरे ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और फिलहाल इसमें राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हाथरस से राजेश सिंघल, कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, तरनतारन से अमित शर्मा, जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुज्जर, आज तक। पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है तो पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। सबसे नई तस्वीर केदारनाथ से आई, जहां इस साल की पहली बर्फबारी हुई, इस वजह से वहां जारी निर्माण कार्य को भी रोकना पड़ा है। केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ। नए साल पर बर्फ से पटा भोले का दरबार। उत्तराखंड की वादियों में बर्फबारी का ऐसा नजारा है जिसे देखकर कोई भी इस पल को जी लेना चाहे। केदारनाथ धाम का ये परिसर बर्फ से पट चुका है, जहां तक नजर दौड़ाइए बर्फ ही बर्फ। इस पवित्र धाम का पूरा परिसर बर्फबारी की वजह से सफेद संगमरमर का रूप ले चुका है। बर्फबारी का सिलसिला वैसे अभी भी जारी है। यहाँ के फर्श, यहाँ मौजूद मशीनें, पत्थर, मकान, सब कुछ सफेद चादर में लिपट गए हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर दूर दूर तक सिवाय बर्फ के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सफेद चादर से ढककर ये वादी मौसम के मिजाज की गवाही दे रही है। केदारनाथ के कपाट पिछले साल 21 अक्टूबर को बंद कर दिए गए, लेकिन वहाँ अभी भी निर्माण कार्य जारी है। लेकिन मंगलवार को यहाँ हुई बर्फबारी ने इसमें खलल डाल दी। मौसम के बिगड़ते मिजाज की वजह से मजदूरों को काम रोकना पड़ा। बीते 12 दिसंबर को केदारनाथ में पहली बर्फबारी हुई थी, 2 जनवरी को दूसरी बार ये नजारा दिखा। इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।